हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के श्री गंगानगर में होने वाले आर्मी की ओपन भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस भर्ती की सारी जानकारी मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये भर्ती है ARO झुंझुनू की, जो कि होने वाली है राजस्थान के श्री गंगानगर में। तो ये भर्ती चलेगी 28 अगस्त 2019 से लेके 6 सितंबर 2019 तक, और ये भर्ती है राजस्थान के श्री गंगानगर की। ARO झुंझुनू जो है ये भर्ती करवाने जा रहे हैं, और इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करनी होगी इस भर्ती के लिए। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 22 जून 2019 और लास्ट डेट है 5 अगस्त 2019। तो 22 जून से ले कर 5 अगस्त 2019 तक आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ़िलअप कर सकते हैं। अब राजस्थान की जो ये भर्ती है इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की वो पार्ट नहीं ले सकती, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस रैली में पार्ट ले सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस रैली में पार्ट ले सकते हैं। तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन्हीं तीन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस रैली में पार्ट ले सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी ट्रेड के लिए जो है ये भर्ती होने वाली है। तो इस भर्ती में आप सोल्जर GD, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2019। अब बात करते हैं क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्या आपका हाइट, वेट और चेस्ट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती रैली में पार्ट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर GD की। सोल्जर GD के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और चेस्ट 77 सेंटीमीटर जो है आपका होना चाहिए। एजुकेशन की अगर बात करें तो GD के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। 10th में आपके 45% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए और 33% हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन एमिनेशन एग्जामिनर की। तो इसके लिए आपकी एज जो है वो 17.5 साल से लेके 23 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1996 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन आप 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ, और 50% टोटल मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और 10+2 के हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आपकी एज जो है 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट, 50 kg वेट एंड चेस्ट 77 सेंटीमीटर। एजुकेशन इसके लिए 10+2 पास होने चाहिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ, टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए आपका, और 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में 10+2 में होने चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क की। सोल्जर क्लर्क के लिए आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 50 kg वेट और 70 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 10+2 पास होने चाहिए आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, इन तीन स्ट्रीम में से आप 10+2 पास होने चाहिए किसी एक स्ट्रीम में। टोटल मार्क्स 10+2 में 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए, और 10+2 में आपने इंग्लिश पढ़ा हो उसमें भी आपके 50% मार्क्स, और मैथ्स, अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीन सब्जेक्ट में से आपने एक सब्जेक्ट जो है वो क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन, जो कि 10th और 8th पेज पे है। दोनों के लिए आपकी जो एज है वो 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट, 48 kg वेट और 76 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 10th पास बेस पे कर रहे हैं तो 10th जो है आपका सिंपल पास होना चाहिए, कोई एग्रीगेट परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर आप 8th पास बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिंपल 8th जो है वो पास होना चाहिए, उसमें भी टोटल परसेंटेज नहीं देखी जाएगी। बस एक बात यह है कि आपकी हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जो है वो कंपलसरी है। तो ये था आपका एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। अब बात करते हैं कि रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड में किनको दिया जाएगा। अगर आप सन ऑफ सर्विस मैन या एक्स सर्विस मैन हैं या फिर अडॉप्टेड सन या सन इन लॉ ऑफ अ वॉर विडो हैं
तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 kg का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में आएगा, सबसे पहले होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपको रैली साइट पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में आते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे ग्राउंड के। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे ग्राउंड के लिए। रनिंग के बाद होगा आपका पुलअप्स, जिसमें 10 पुलअप्स मैक्सिमम होंगे, 6 मिनिमम आपको करने ही होंगे और मैक्सिमम पुलअप्स के लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद होगा आपका 9 फीट डिच और लास्ट में जिगजैग बैलेंस। तो इसमें एक और बात बताई गई है कि अगर आप सोल्जर टेक्निकल एविएशन, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, सेपोए फार्मा, हवलदार एजुकेशन या फिर JCO रैंक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो है ग्राउंड के मार्क्स नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ ग्राउंड क्वालिफाई करना है। ग्राउंड के मार्क्स जो लगते हैं वो GD और ट्रेडमैन कैटेगरी के लिए ही लगाए जाते हैं, बाकियों के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट जब आपका फिजिकल फिटनेस हो जाता है उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं उनका होता है फिर रिटन टेस्ट। तो फाइनल स्टेज में जो रिटन टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है वो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कि किस तरह से जो है ये सिलेक्शन किया जाता है। अब नेक्स्ट बता दूँ आपको कि जब आप रैली साइट पर आते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, 20 कॉपीज, सर्टिफिकेट आपके जो 10th के हैं या बाकी सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लाएंगे, NCC सर्टिफिकेट अगर आपने NCC रखा था वो भी ला सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी ला सकते हैं, और एफिडेविट आपको एक 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे टाइप करवा के लाना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आना है। तो ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप जब रैली साइट पे जाएंगे तो आपको लेके जाने होंगे। सो ये था गाइज आज की वीडियो में, जिसे मैंने आपको बताया ARO झुंझुनू की इस आर्मी रैली के बारे में। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लग गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।